24 एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी। इस व्रत को करने से पहले जान ले सही नियम और किस दिन ये पड़ेगा, 17 या 18 जून को। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में बहनों एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में 24 एकादशी आती है, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। निर्जला एकादशी व्रत 2024 तिथि और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा और समाप्ति 18 जून को सुबह 7:28 पर होगी। निर्जला एकादशी का व्रत बहनों 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि उसको उदय तिथि माना जाएगा। जो लोग साल की 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पा रहे हैं, वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन आपको फल फूल के साथ जल का दान भी करना चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप कपड़े चप्पल छाता, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, आप रस भरे फलों का भी दान कर सकते हैं। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। जल का दान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। तो निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ही जल का सेवन करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें और ना ही बाल नाखून और दाढ़ी कटवाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जान गए कि कब है एकादशी और हमें क्या करना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी की व्रत की पूजा किन चीजों के बिना अधूरी है। नमस्कार दोस्तों।